हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 20th जुलाई 2019 के। तो सबसे पहले एक बार हम जैसे करते हैं, एक बार हम हाइलाइट्स देख लेते हैं इस वीडियो के, कौन कौन सी न्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर हम डिस्कस करेंगे एक हाई पावर्ड कमेटी के बारे में, जिसको कि बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो रीज़न है इस कमेटी को बनाने का, वो ये है कि जो दो इंडियन बर्ड स्पीशीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन, वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है, वो एक्सिट कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसमें वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक नई डिफेंस डील को, जो कि इंडियन नेवी ने साइन करी है इसराइल के साथ। फिर हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी अचीवमेंट जो कि इंडियन शूटर्स के लिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में। फिर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के प्लान के बारे में, जिसमें वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंडिया की कोल प्रोडक्शन नियर फ्यूचर में। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे क्या अपडेट जो गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट का एक इंटरनेट साथी प्रोग्राम है उसमें। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ पे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को ऑब्जर्व किया जाता है 18th जुलाई एवरी ईयर इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो एक एनुअल इंटरनेशनल डे इन ऑनर ऑफ नेल्सन मंडेला, जिसको कि नेल्सन मंडेला के बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये डे है, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस में नवंबर 2009 में। और जो फर्स्ट UN मंडेला डे था, वो हुआ था 18th जुलाई 2010 में। जो अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला के बारे में, तो वो फॉर्मर प्रेजिडेंट है साउथ अफ्रीका के। वो एक रेवोल्यूशनरी थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सर्व किया था 1994 से 1999 तक। और वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट थे। उनका जन्म हुआ था 18th of July 1918 में, और उनकी डेथ हुई थी 5th of December 2013 में। जो उनको मेजर अवार्ड्स मिले थे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है नोबल पीस प्राइज और प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। हम चलते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस डिसीजन लिया है, उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, क्योंकि दो इंडियन बर्ड स्पीशीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिका, जो कि ऑलरेडी जो हमारी कंट्री का एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर आते हैं, पर फिर भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम वो वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इस चीज़ को देखते हुए हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। तो ये जो कमेटी है, इसको अर्जेंटली फ्रेम करना पड़ेगा एक प्लान, एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें इन स्पीशीज़ को। क्योंकि उनको और ये सब करना पड़ेगा एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, क्योंकि मॉनसून का सीज़न और ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है। तो उनको जो भी करना होगा, एक बहुत ही कम टाइम फ्रेम में उनको डिसाइड करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो दोनों ये जो बर्ड स्पीशीज आती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, पर इस एक्ट में होने के बाद भी ये जो दोनों स्पीशीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंड कर सकती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जो कमेटी बनाई है, उसको बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम दिया, जिसमें वो अपना डिसीजन ले सकें। हम चलते अपने थर्ड न्यूज़ पे। इसराइल के साथ इंडियन नेवी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया है $50 मिलियन का, जिसके अंदर इसराइल सप्लाई करेगा नेवल MRSAM, जो कि होती है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IAI, सप्लाई करेगी सिस्टम इंडियन नेवी और माजेगन डॉक शिप बिल्डर्स को। बोआज लेवी, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर है IAI के, उन्होंने बताया ये एक डील एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है इंडिया और इसराइल के बीच में। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इस कंट्री के बारे में, इसराइल के बारे में। तो ये कंट्री है मिडल ईस्ट में, जो कि मेडिटेरियन सी पे लगती है, और ये जूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड, एक होली लैंड है। इसके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, और इसकी कैपिटल है यरूशलेम, जो कि एक पॉलिटिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। अगर आप को पता हो तो US के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो इस सिटी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसकी करेंसी है, इसराइल की करेंसी है इसराइली न्यू शेकल। हम चलते हैं अपने फोर्थ फैक्ट पे। शूटर अनिश बनवाना ने जीत लिया अपना सेकंड ISSF जूनियर वर्ल्ड कप गोल्ड मेंस 25 रैपिड फायर पिस्टल में। तो बनवाना ने टॉप किया है क्वालिफिकेशन 584 से। उनके बाद जो ये इवेंट था, उसमें और दो इंडियंस थे, अरदास सिंह और अग्निक कौशिक। इंडिया ने जीते 10 गोल्ड 9 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में, जिससे इंडिया ने फिनिश किया टॉप पे मेडल्स टैली में। जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जिसके शॉर्ट फॉर्म है ISSF, ये गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स राइफल, पिस्टल और शॉटगन में। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे नॉन ओलंपिक इवेंट्स भी है जिनको ये हैंडल करती है। इसके हेडक्वार्टर्स है म्यूनिक जर्मनी में। इसके प्रेजिडेंट है वाल्डेमिन लिसन, और इसको बनाया गया था 1907 में। हम चलते हैं अपने फिफ्थ फैक्ट पे।
गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट ने एक्सपैंड किया अपने इंटरनेट साथी प्रोग्राम को पंजाब और उड़ीसा स्टेट में, तो हम डिस्कस करते हैं इस फैक्ट को। तो जो इंटरनेट साथी इनिशिएटिव है, ये जैसे आपको पता होगा एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है जो रूरल इंडिया में वुमेन्स हैं उनके लिए। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2015 में, और जो इंटरनेट साथी प्रोग्राम है अब तक ट्रेन कर चुका है 70,000 इंटरनेट साथी को, जिन्होंने आगे इम्पैक्ट किया 2.6 करोड़ इंडियन वुमेन को। जो ये प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया था राजस्थान स्टेट से, उसके बाद इसको एक्सपैंड किया गया बहुत सारी स्टेट्स में जैसे गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उसके अलावा भी बहुत सारी इंडियन स्टेट्स में। जो आज का मेरा 6 न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है कोल प्रोडक्शन हमारी कंट्री की 1 बिलियन टन तक बाई 2022-23। तो कोल यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसके अंदर वो इंक्रीज करना चाहते हैं हमारी कंट्री की कोल प्रोडक्शन को 1 बिलियन टन बाई 2022-23। तो उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट का प्लान है वो इसलिए क्योंकि हमारी जो कंट्री की डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। अभी हम अपनी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, और अगर इसको पूरा करना है तो इंडिया को अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया की जो रॉ कोल प्रोडक्शन है उसमें पहले एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखा गया जो कि 2013-2014 में 462 मेट्रिक टन पे थी, वो 2018-19 में 730 मेट्रिक टन पे है। तो ऐसे इस जो ये फिगर्स हैं इसको देख के लग रहा है कि 2022-23 तक हम 1 बिलियन टन की जो वैल्यू है उसको अचीव कर लेंगे। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है इसको जो मेजर काम दिए जाते हैं वो होते हैं कि इनको एक्सप्लोर करना होता है कि जो इंडियन लैंड है वहाँ पर कहाँ कोल है, उसके बाद इसको जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल है इनको वो कोल निकालना होता है ज़मीन से, उसको उसकी प्रोडक्शन करनी होती है, उसको सप्लाई करना होता है और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको इसकी ज़रूरत है। हम चलते हैं अपने 7th फैक्ट पे। ऑथर रचना बिश रावत ने एक नई बुक रिलीज़ करी है जिसका टाइटल है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर। जो 20th एनिवर्सरी चल रही है कारगिल वॉर की, उस टाइम पे इस बुक को रिलीज़ किया गया जिसके ऑथर है रचना बिश रावत, और इसको रिलीज़ किया गया था न्यू दिल्ली। जो ये बुक है ये बेस्ड है जो इसके ऑथर हैं उनके जितने भी इंटरव्यूज हुए थे वॉर सर्वाइवर से, मार्टियर्स फैमिली से, या उसके अलावा उन्होंने जितनी भी रिसर्च करी है। जो ये कारगिल वॉर है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ इस वॉर के बारे में, तो ये वॉर 3 महीने तक चली थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने विंटर्स के टाइम अपने सोल्जर्स को डिस्गाइज, जो उनकी यूनिफॉर्म थी उनको आर्मी की यूनिफॉर्म ना देके वहाँ की लोकल्स की यूनिफॉर्म देके उन्होंने कारगिल हिल्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। और उसके बाद मई 1996 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था जिसके अंदर उन्होंने सारे जितने भी इन्फिल्ट्रेट्स थे उनको LOC से दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ भेज दिया था और अपना कंट्रोल वापस लिया था कारगिल हिल्स पे। हम चलते अपने 8th फैक्ट पे। पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि उनको अब तक लॉस हो चुका है 365 करोड़ रुपीज़ का, क्योंकि उन्होंने अपने एयर स्पेस को बैन किया हुआ था कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए जब बालाकोट, जो इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में स्ट्राइक करी थी उसके बाद। तो जैसे आप इस साइड में पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर आप देखें जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्पेस है उसमें आपको कोई भी कमर्शियल प्लेन नहीं दिखेगा, और अगर आप देखें इंडिया के ऊपर तो न्यू दिल्ली, मुंबई, आपको जगह जगह बहुत सारे कमर्शियल प्लेन दिखेंगे। तो पाकिस्तान ने जो बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी थी उसके बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया था कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। तो जो उनके एविएशन मिनिस्टर हैं गुलाम सरवर खान, उन्होंने बताया कि उनको लॉस हुआ है 365 करोड़ रुपीज़ का, क्योंकि अगर कोई भी जो एक फ़्लाइट होती है, एक कमर्शियल प्लेन होता है, अगर उनको पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करना है तो उनको एक पर्टिकुलर रेंट देना होता है उस कंट्री को। तो क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ था तो उनको वो रेंट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा लॉस हुआ है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 140 डेज़ के बाद खोला बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद, और जो इसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस को भी, आपको पता होगा जैसे काफ़ी सारी न्यूज़ आती थी कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो, उनको भी काफ़ी लॉस हो रहा था क्योंकि उनको एक्स्ट्रा फ्यूल खर्चना होता था। वो न्यू दिल्ली से पहले गुजरात तक जाते थे और फिर वहाँ से वो मिडिल ईस्ट की तरफ को जाते थे। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको सारे करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन थी सारी क्लियर होगी होगी। मैं रोज़ इस वीडियो को बनाता हूँ, कोशिश करें रोज़ इस वीडियो को देखने की, और ये आपकी हेल्प करेगा जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।